एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा पाठ करती थी, रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती, रोजाना बनाती और रोजाना ही वह गल जाता। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। वह उनके पास जाकर बोली कि भाई, मैं गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ, रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाता है, कृपा करके आप मेरा पत्थर का गणेश बना दो। तब मिस्त्री बोले कि जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतनी देर में हम अपनी दीवार चुनेंगे। तब बुढ़िया माई को बहुत क्रोध आया और बुढ़िया माई क्रोध में आकर बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढावे, चीने और ढावे, इस तरह करते करते उनको शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तब वो कहने लगी कि सवेरे सवेरे एक बुढ़िया माई आई थी और वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। तो उसने क्रोध में आकर कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही, बनाते हैं ढालते हैं, बनाते हैं ढालते हैं। तब सेठ बुढ़िया माई के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हे बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश गढ़ कर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई को सेठ ने सोने का गणेश गढ़ कर दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ की दीवार को सीधा किया, जैसे आपने बुढ़िया माई पे कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।